अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हमारे पास अल्ट्रानेट का ONU है और इसकी हम सेटिंग देखेंगे, हम किस तरह से कर रहे होते हैं। VSOL की OLT के साथ हम इसे कनेक्ट करवाएंगे और इसका वाईफाई का जो SSID है वो किस तरह से हम चेंज कर रहे होते हैं और PPPoE की सेटिंग हम कैसे इसके अंदर कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इसका जो इंटरफेस हम ओपन करते हैं 192.168.1.1 इसका डिफॉल्ट IP जो कि इसकी बैक साइड के ऊपर भी लिखा होता है। और सेटिंग करने के लिए जो इसका यूज़र नेम है सुपर एडमिन और पासवर्ड सुपर एडमिन XML, तो ये आपको जो है साइड पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसका यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जो डिवाइस की बैक साइड पे यूज़र नेम पासवर्ड है उसे सिर्फ हम इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, वेब साइड की सेटिंग नहीं कर सकते। तो डिवाइस को हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैन की सेटिंग आ रही है, जो पहले से वैन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बनी हुई है, उनको हम सबसे पहले यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। वैन कनेक्शन डिलीट के ऊपर चेक लगाने के बाद नीचे अप्लाई का हमारे पास ऑप्शन है, हम इसे अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड वैन जो है उसे भी हम यहाँ पे डिलीट चेक लगाने के बाद नीचे अप्लाई का हमारे पास बटन है, वो हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो वैन भी जो है हमारी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम न्यू वैन ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम सारी सेटिंग अपनी कर रहे होंगे। वैन सारी डिलीट हो चुकी है, क्रिएट एंड न्यू वैन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। कनेक्शन मोड जो है हमारे पास, हम राउटर ही सिलेक्ट करेंगे, TR069 इंटरनेट इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। VLAN के ऊपर अभी हमें डाटा नहीं चाहिए, इसलिए VLAN हम अनचेक कर देंगे। अगर आप VLAN यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम VLAN भी दे सकते हैं। इसे LAN 1 और SSID 1 हमने सेलेक्ट करवा लिया ताकि जो भी डाटा है PPPoE का हमें LAN पे भी मिल सके और वायरलेस के ऊपर भी हमें ये डाटा मिल सके। वैन IP मोड जो है वो PPPoE हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यूज़र नेम जो है यहाँ पे हम टाइप करेंगे, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं MTU 1492 और अप्लाई। वैन की सेटिंग जो है वो हम कर चुके हैं। हम यहाँ पे स्टेटस में चेक कर सकते हैं वैन का स्टेटस हमारे पास क्या है। नेटवर्क इन्फो कलेक्टेड है, IP हमें मिल चुका है। अभी जो है हम नेटवर्क के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, वायरलेस लैन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये वाईफाई नेम आ रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे कोई भी वाईफाई का नेम जो है वो रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे टाइप करने के बाद अप्लाई करके सेव करवा सकते हैं। डिसेबल करना चाह रहे हैं अनचेक करके हम डिसेबल भी कर सकते हैं। लैन की सेटिंग की बात की जाए तो लैन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसका IP चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसका लैन IP भी चेंज कर सकते हैं। रिमोट एडमिन वैन साइड से एक्सेस करने के लिए इसे हम इनेबल करके तो इसे वैन साइड से भी हम एक्सेस कर सकते हैं इस ONU को। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ONU की स्पेसिफिकेशन जो है, मॉडल वगैरह ये हमें देखने को मिल रहा होता है, और यहाँ पे यूज़र इन्फो नेटवर्क इन्फो में हमारे पास ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लिंक इन्फो यहाँ पे हम देख सकते हैं, -0.85 dB का सिग्नल जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आज इसकी सेटिंग थी अल्ट्रानेट की ONU की। इसमें किसी भी किस्म की आपको परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।